हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता वंडर रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ी चाट, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है पापड़ी। ये मैंने रेडीमेड पापड़ी लिया है, ये आप देख सकते हैं, मैंने मार्केट से लिया है। आप चाहें तो इसे घर में भी बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे सेव भुजिया, ये बारीक वाली हमें भुजिया लेनी है। और यहीं पर मैंने लिया है दही, यहाँ हम लेंगे रोस्टेड जीरा पाउडर। और यहीं पे मैंने लिया है चाट मसाला और रेड चिल्ली पाउडर। और ये मैंने लिया है इमली की खट्टी चटनी। और ये मैंने धनिया पुदीना का चटनी लिया है। यहाँ पे हम लेंगे बॉयल आलू, जिसे मैंने इस तरीके से स्लाइसेस में काट लिए हैं। यहीं पे हम लेंगे प्याज बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, और मिर्ची, हरी मिर्च। हरी मिर्च आपके अकॉर्डिंग है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और हम लेंगे यहाँ पे सॉल्ट। तो आइए चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए पहले हमें पापड़ी को इस तरीके से साइड में रख लेना है। आपको जितनी ज़्यादा पापड़ी पसंद है आप उतनी ज़्यादा इसमें लगा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसमें बहुत सारे पापड़ी डालूँगी। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से बहुत सारी पापड़ी अपने प्लेट में रखी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे दही। दही को हमें इसी कंसिस्टेंसी में रखना है और इसके ऊपर अच्छे से हमें दही को फैला देना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से हमने इसमें दही डाला। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। इसे भी अच्छे तरीके से साइड से इस तरीके से फैलाते हुए डालेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे आलू। आलू को भी इस तरीके से हम साइड में इस तरीके से रख देंगे। इसमें आलू का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। अब यहाँ पे हम डालेंगे चटनी। तो ये हमारी चटनी है। इस इमली की चटनी की रेसिपी मेरे YouTube चैनल पे है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चटनी इमली का यूज़ करें या फिर हमारे यहाँ मार्केट में जो समोसे वाली चटनी मिलती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी खट्टी मीठी पापड़ी चाट बनकर रेडी हो रही है। अभी हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार डालें। तो मैं इसमें अभी हल्का ही नमक डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालूँगी मैं। इसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन चिली। अब इसके अंदर डालेंगे हम रोस्टेड जीरा पाउडर। अभी इसके अंदर डालेंगे हम चाट मसाला पाउडर। चुटकी भर हमें सिर्फ चाट मसाला पाउडर डालना है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। अभी इसके अंदर हम डालेंगे सेव भुजिया। इसके अंदर हम फिर से डालेंगे थोड़ी सी अनियन। और थोड़ा धनिया पत्ता। हल्का सा दही और डालूंगी जो कि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। और यहाँ पे हम डालेंगे हल्की सी चिली फ्लेक्स।
अगेन आपको अगर तीखा पसंद है तभी आप इसे यूज़ करें, नहीं पसंद है आप मिर्ची को बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पापड़ी चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फिर इसी तरीके से आप भी बनाएं, खाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।